बिसलपुर में पर्याप्त पानी होने के बावजूद अजमेर में गहराता जल संकट को दूर करने के लिए आज भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी ने जल भवन पहुंचकर जलदाय विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। देवनानी ने आरोप लगाया कि पेयजल वितरण व्यवस्था की खामियों को दूर नहीं किया जा रहा है और जिसके चलते आम जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। देवनानी ने चेतावनी दी है कि यदि जलदाय विभाग में जल्द ही अजमेर के संकट को दूर नहीं किया तो एक बड़ा जन आंदोलन अजमेर में खड़ा किया जाएगा और साथ ही जलदाय विभाग की कारगुजारियों की शिकायत जलदाय मंत्री के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से भी की जाएगी। जनता की पानी की समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर एजुसा चीफ एससी और एक्सएम की मैंने मीटिंग ली और मीटिंग में स्पष्ट को निर्देश दिया कि मेरे क्षेत्र के लोगों को बराबर 48 घंटे में पानी मिले। आज वार्ड 1, 2, 60, 59, 58, 55, 54 से लेकर के फाइसा करोड़ की कॉलोनियां में पानी में जनता त्राही त्राही कर रही है, जबकि बिसल पर पानी उपलब्ध है। अतः आप तुरंत उस पानी को व्यवस्थित करके सबको 48 घंटे पानी उपलब्ध कराएं। जो हैंडपंप खराब है उस हैंडपंप को ठीक कराएं और जहां पाइपलाइन की लीकेज है उसको ठीक कराएं और जहां के बूस्टर की शिकायत आती है उसको आप पकड़ो और इस प्रकार जनता को पानी पूरी तरह से मिले, ये मैंने मांग रखी है। यदि ये पूरी नहीं हुई तो कुछ दिनों के बाद जनता में 144 के कारण जनता आक्रोशित है, इकट्ठी होकर के नहीं आ पा रही है। फिर ये आक्रोश अपना धैर्य खोकर के कहीं आक्रोश इस आंदोलन में न पलटे, फिर मैंने कहा कि अगले 3 दिन के अंदर आप इस व्यवस्था को ठीक करें।